हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऐसे खान है और दोस्तों मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। दोस्तों आज जो ये मैंने वीडियो बनाई है ये उन बच्चों के लिए बनाई है जो 12वीं तक तो पढ़ाई कर लेते हैं जैसे तैसे, लेकिन घर के हालात ठीक ना होने की वजह से, घर में तंगी होने की वजह से वो अपनी आगे की पढ़ाई जो है पूरी नहीं कर पाते पैसों की कमी की वजह से। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो कि गरीब हैं, पढ़ाई आगे की नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये जो संस्था है रोजमाइन एजुकेशनल ट्रस्ट, दोस्तों ये अवेश अंबर जो है के द्वारा चलाई गई है। अवेश अंबर सर जो हैं ये इसके चेयरमैन हैं दोस्तों, जो कि पटना के रहने वाले हैं, और इसका जो हेड ऑफिस है दोस्तों रोजमाइन का वो भी पटना है दोस्तों। तो दोस्तों रोजमाइन जो है काउंसलिंग कराती है बच्चों की, मतलब जैसे कोई गरीब बच्चा है तो उसका एडमिशन वो अपने थ्रो करा देगी, उसकी सारी फ़ीस जो है बच्चे की जितनी भी फीस है, मान लो उसका कोई सा भी कोर्स है बीएससी नर्सिंग या बीकॉम या डी फार्मा, बी फार्मा, बीएमएलटी, बीपीटी, कोई सा भी अगर उसका कोर्स है, इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज हैं दोस्तों, करीब इसमें 70 से प्लस कोर्स हैं दोस्तों। वो किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन लेता है वो गरीब बच्चा, तो रोजमाइन एजुकेशनल ट्रस्ट उसकी सारी फ़ीस खुद ही सबमिट करेगी, सिर्फ उसको जो है वहाँ रहने की और रहने के हॉस्टल की फ़ीस देनी होगी जो कुल 6,000 रुपये पर मंथ है दोस्तों। अगर कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग वगैरह करता है तो आज के टाइम पे बीएससी नर्सिंग के कोर्स की फ़ीस दोस्तों करीब 1 ईयर की 1,60,000 या 1,70,000 के करीब बैठती है दोस्तों। और इसमें अगर आप बच्चा करेगा एडमिशन तो करीब उसको सिर्फ हॉस्टल फीस ही देना पड़ेगी, कुल 70-72 हज़ार में उसका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा बीएससी नर्सिंग का। जैसे कि मैंने अपने भाई का भी एडमिशन इसी से कराया है, तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें एडमिशन होता है और एडमिशन लेटर मिलता है दोस्तों। दोस्तों ये एक ट्रस्टेबल संस्था है दोस्तों, इसमें कोई धोखाधड़ी कुछ नहीं है दोस्तों, और आप जो है इसके ऑनलाइन जो वेबसाइट है उस पर जाकर भी देख सकते हैं दोस्तों। इसकी ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, और इसका कॉन्टैक्ट नंबर जो कस्टमर केयर नंबर है वो भी हमने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर और इन लोगों से कॉन्टैक्ट कर अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो दोस्तों ये रोजमाइन एक ऐसी संस्था है जिसके ज़रिए आप जो है मानो तो फ्री में ही सारे कोर्सेज़ कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके कोर्सों की जो लिस्ट है वो हमने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाकर उस पर चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। दोस्तों इसके अंदर एक कोर्स और अवेलेबल हुआ है, वो है BHMS, लेकिन दोस्तों उसके अंदर जो है अभी आपको नीट क्वालिफाई करके देना होगा दोस्तों, तो उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। बाकी आप बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, बीएड, एमएड, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, डीएमएलटी, ये सारे कोर्सेज़ हैं दोस्तों इसके अंदर, और इंजीनियरिंग के भी सारे कोर्सेज़ हैं इसके अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर जो है सिर्फ आपको शुरू में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसकी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो रोजमाइन पर, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा दोस्तों, तो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो है दोस्तों 1,000 रुपये रखी है। रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे तो आपको एक स्लिप मिल जाएगी, आपको फिर वो स्लिप अपने पास संभाल कर रखनी है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद करीब 1 से 1.5 महीने बाद आपके पास जो है एक कॉल आएगी दोस्तों। उस कॉल में आपसे कुछ जानकारी ली जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि आपकी काउंसलिंग कहाँ होनी है दोस्तों। दोस्तों इसकी काउंसलिंग तो वैसे ज़्यादातर तो पटना इसके हेड ऑफिस पर ही होती है, लेकिन कभी कभी लखनऊ या आप कौन से स्टेट में हैं उस स्टेट की जो है बड़े शहर में होती है दोस्तों। तो दोस्तों जब आप काउंसलिंग के लिए उसके लिए जाएंगे काउंसलिंग के लिए, तो आपका जो है वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। जब आपका एडमिशन हो जाएगा दोस्तों, तो आपको एडमिशन लेटर आपको दिया जाएगा और आपको कॉलेज बता दिया जाएगा कि आपका जो है किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है दोस्तों। तो लेटर के ऊपर सारी डिटेल होगी, फिर आपसे जो है इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया इसमें सिर्फ जो है हॉस्टल फ़ीस देनी होती है 1 ईयर की, तो करीब आपसे अराउंड 25,000 रुपये लिए जाएंगे दोस्तों एडमिशन के टाइम पर, जो कि आपकी हॉस्टल फ़ीस है, और ये आप जो उनसे कॉलेज में आपको अलॉट हुआ होगा उस कॉलेज में ये फ़ीस पहुँचा दी जाएगी दोस्तों। और सिर्फ आपको जो है सिर्फ हॉस्टल फ़ीस देनी होगी, बाकी सारी टोटल फ़ीस जो है ईयर फीस, ट्यूशन फ़ीस, ये रोजमाइन से जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अपने छोटे भाई का एडमिशन अभी इसी 2022 में बीएससी नर्सिंग कॉलेज में कराया है, तो उसको जो कॉलेज मिला है दोस्तों वो हर गोविंद कॉलेज मिला है, जो कि रायकोट लुधियाना पंजाब में है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारे पास जो इसका लेटर मिला है, मैं आपको एक नज़र लेटर दिखा देता हूँ कि एडमिशन होने के बाद लेटर कैसा होता है। ये लेटर आपको बहुत संभाल के रखना है दोस्तों।
ये देखिए दोस्तों, हमें जो है हर गोविंद कॉलेज मिला, गुरु हर गोविंद कॉलेज जो कि रायकोट में है। तो इस कॉलेज का ये लेटर है जो हमारे भाई ने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया है। तो इसमें सिर्फ हमें 25,000 रुपये फ़ीस देनी है दोस्तों, उसके बाद जो है हमें कॉलेज जाना होगा, कॉलेज विज़िट करना होगा, उसके बाद हमारी पढ़ाई चालू हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी परेशानी दोस्तों आती है तो आप इसकी के जो है वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आप जो है इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया है इसका, कस्टमर केयर नंबर, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके सारी बात उनसे पूछ सकते हैं दोस्तों। वो आपको सारी बात जो है सारा इसका सब कुछ बता देंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको एडमिशन इसमें से लेना है तो आप जो है पटना में इनके कॉल कीजिए और ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन कर देंगे और इसी साल आपका जो है एडमिशन हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये नॉलेज वीडियो जो बनाई है हमने सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए बनाई है, बाकी आप खुद जो है जो भी करेंगे उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे दोस्तों। अगर ऊपर वाला ना करे, कोई परेशानी आती है तो आप उसके ज़िम्मेदार खुद होंगे, हमारा काम सिर्फ आपको जानकारी देना है, बाकी आप जो है इस पर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इनसे सारी जानकारी ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, और आपसे एक बात हम जाते जाते और कहेंगे दोस्तों कि हमारा ये नया चैनल है तो इसको आपको जो है सब्सक्राइब कर दो, और बाजू में जो बेल आइकन है उस बेल को आइकन को दबा दीजिए। और दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।